असंभव असंभव। मेघनाथ की बलि दे सके ऐसा वीर संसार में जन्मा नहीं है मातेश्वरी। इस धरती पर, धरती के तले पाताल में अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है माता। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है।